मैं उमेश शर्मा, द्वारका विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। आज द्वारका विधानसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी विनय मिश्रा जी को क्षेत्र से बहुत सारा प्यार मिल रहा है जनता से, और इस क्षेत्र के अंदर सारे क्षेत्रवासी आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी से बहुत खुश हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं दी हैं, इससे पहले शायद ही किसी राज्य के अंदर किसी सरकार ने इतने काम किए होंगे। आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आतंकवादी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर अगर काम किया है तो क्या कोई आतंकवादी ऐसा काम कर सकता है? अगर दिल्ली के अंदर उन्होंने पानी 20,000 लीटर फ्री दिया है तो कोई आतंकवादी ऐसा काम कर सकता है? अगर उन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को हॉस्पिटलों के अंदर सुविधाएं दी हैं तो क्या ये कोई आतंकवादी कर सकता है? आज दिल्ली के अंदर महिलाओं को दिल्ली के अंदर DTC के अंदर फ्री यात्रा कराई जा रही है तो क्या ये आतंकवादी कर सकता है? मैं बीजेपी के लोगों से बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे भक्त हैं, देशभक्त हैं। अगर आप लोग इन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो दिल्ली की जनता देख रही है। आपको पिछली बार 3 सीटें आई थी, इस बार 0 पे आपको निमटा देगी। जय हिंद, जय भारत।